दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम है सीतामढ़ी जिला में और परिहार प्रखंड परिहार विधानसभा और सुरसंज विधानसभा के बीच में एक मेन रोड है जो सीतामढ़ी होते हुए शहर घाट तक NH 104 गया हुआ है। तो यहाँ हम एक देखे रहते 6 बजे घटना हुआ है जो गाड़ी से मारा गया, एक्सीडेंट हो गया है। तो जरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि कै बजे हुआ है और यहाँ कौन कौन पदाधिकारी और कौन कौन नेता आए हैं और कौन कौन ब्लॉक से आए हैं सहायता करने के लिए। जो मुआवजा मिलता है सहायता करने के लिए सरकारी विभाग से इनको मिला कि नहीं मिला, और पंचायती में जो नेता है वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं कि खाली वोट के दिन वोट लेने आते हैं। तो जरा हम चलते हैं यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। जो यहाँ क्या चीज का भीड़ भाड़ इतना देख रहे हैं? कै बजे हुआ है? कै बजे? 6 बजे, 7:30 बजे के आसपास। की नहीं, और आपके प्रखंड के जिला तक नहीं आया? अच्छा, थाना प्रभारी भी आया। थाना प्रभारी जो होता है मतलब कंप्रोमाइज करके बैठे हुए थे, लेकिन क्या उसमें ऐसा हुआ जो मतलब ब्लास्ट में उठ के चले गए? आगे आइए ना, आगे श्याम भाई आगे आइए, आगे आगे आइए। चलिए ठीक है, घर सुतियारा। तो ये घटना कई बजे हुआ है? ये 7:30 बजे के आसपास हुआ। तो कौन सा गाड़ी से हुआ है? ये अपाची था। अपाची था। तो आप वो गाड़ी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? नंबर उम्र याद है? जी पकड़ाया गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी यही है कि नहीं? अब ले गए हैं, पदाधिकारी आए हुए थे वो ले गए। कहाँ ले गए? थाना ले गए। थाना ले गए? तो थाना के लोग यहाँ प्रशासन नहीं आए हैं? नहीं आए हुए थे रात में, मगर वो लोग चले गए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुआ और वो लोग चले गए यहाँ से। एक चीज हम जानना चाहेंगे, तो सरकारी विभाग से कुछ मुआवजा कोई घोषणा किया कि नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है। अभी तक कोई आया भी नहीं है, आया भी नहीं है। डीएम हो चाहे एसपी हो, कोई ऐसा आया नहीं है अभी तक। रोड भी जाम करके 1 घंटे से रखे हुए हैं हमारे। आप लोग मोबाइल आगे रखिए ना, क्या रिकॉर्ड आप लोग जी? तो अभी तक आए नहीं है, देख ही रहे हैं आप, पूरा रोड जाम है, हर चीज जाम है। आए दिन ये घटना होती है। फिर तो ऐसे ऐसे नेता को आप लोग चुनते क्यों हैं जो आपके दुख में काम नहीं आ रहा है? आप तो चुनते हैं, सब पब्लिक ही चुनता है ना। अच्छा, नहीं आते तो क्या कर सकते हैं? अच्छा सबका गौर सिद्दीकी जी, ठीक है बोलिए ना, बोलिए आप। मैं यहाँ का पूर्व जिला पार्षद गौर जी जी, हमें घटना की जानकारी मिली है जी। ये सारे लोग जज्बात में आक्रोशित हैं जी, इन्हें जब कोई घटना घटती है तो वो जज्बात में होते हैं जी। अब घटना घटी पोस्टमार्टम ही होगी जी जी। अभी मैंने आधा घंटा पहले परिहार के थाना थे उनके बाद हमने सीओ साहब से बात जी, तो उन्होंने कहा कि हम घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां बच्चा, मैंने जान की जानकारी भी दी कि घटना के बाद वहाँ नौजवान और उनके परिजन मौजूद है और जाम की स्थिति जी। तो चंद मिनटों में प्रशासन भी आ रही है, प्रशासन से मांग करेंगे कि कल जो घटना घटी है उसमें आपने FIR किया जी, FIR हो तो FIR दिखलावेंगे, इसके बाद FIR की सूरत क्या ज्ञात में है क्या है? दूसरी बात के जो सरकार की जो राशि है तत्काल 20,000 रुपया उनको मिलना चाहिए जी। फिर एक्सीडेंटल राशि है, सब हम लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। मुखिया के फंड में जो होता है, सामाजिक कार्यकर्ता में आप लोगों ने नाम लिया, कौन आए सबको मतलब नहीं जी, है। मैं गौहर सिद्दीकी सुख दुख शादी ब्याह मौत हयात जलसा मिलाद में रहता हूँ, आप लोग सब लोग जानते सब जानते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है शादी के लोग प्रशासन ने मुझे बुलाती है और मैं आया, प्रशासन आ रही है, वीडियो साहब आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, दुर्गा जी है, आइए देखे सारे समाज के लोग हैं, सब गणमान्य व्यक्ति है, इसलिए मैं नहीं है, सारे लोग हैं, नौजवान हमारा है, ठीके है। तीज मिनान से उन लोगों के आने के बाद उन लोग बात करेंगे FIR पर, FIR की सिस्टम पर, राशि पर और दिग्रह राशि, ठीक है, तब तक आप लोग सब समझ। लेकिन अभी तक मुखिया नहीं पहुंचे हैं, ये अफसोस है, जैसा बता रहे कि अब तक के यहाँ के माननीय मुखिया सुनील पासवान जी हैं और भी जनप्रतिनिधि जो भी हो, कम से कम अगर है तो उनको आना चाहिए, दुख सुख में आना चाहिए। हम सबसे पहले जो मरे हैं उनके प्रति आधार अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह उन्हें करमट करमट जन्नत अता फरमाए। आमीन।
उनके मानने वालों को सब लता फिर घटना जिसके साथ होती है उससे दिल से पूछे जी जी, उसके बाल बच्चों से पूछे तो थोड़ा सा जज्बात में लोग आ ही जाते हैं, है ना। और किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जी। हमारी बात सब हुई है, हाजी शमशेर आलम साहब गुजर भाई बैठे हैं, बाढ़ मेंबर शमशेर आलम बैठे, सबको तो सुखिया मैं जानता ही हूँ। इसलिए आप सारे लोग, मेरा यही पैगाम है कि प्रशासन आती है जब तक नहीं आ जाती 10 मिनट इत्मीनान रखें और हम खुद बात करें जी जी। साथी देख रहे हैं, उस सबसे शांति व्यवस्था की मांग। अच्छा एक चीज है सर, और भी जो है जन प्रतिनिधि हो अगर वो सपोर्ट इनका नहीं करे तो क्या आप एकदम फोर्स से आप लड़िएगा इनके लिए? गौहर सिद्दीकी का इतिहास पूछिएगा लोगों से जी, समाज के लिए लड़ते हैं और वही ढंग से बात होगी। इसमें कानून को अपने हाथ में लेकर लड़ाई नहीं लड़ जा सकते जी जी, है ना। झूठों का हम हंगामा करवा देंगे, है ना, 10 लोग हम ही बेफक्र, हमारे विरोधी लोग नहीं है, सबके लोग विरोधी है, तो ऐसा हल्ला करवा देगा, कुछ करवा देगा और सब FIR करवा देगा। तो अकलमंद हुआ आदमी तो काम निकाल, अभी देखिए तो इसी तरह रखिए, जब तक कि प्रशासन नहीं आ जाती हम लोग बैठे हुए हम सब लोग बैठे हुए हैं ना, हम शांति ढंग से बैठे हुए, कोई हल्ला देख रहे हैं, घुमाइए कैमरा घुमाई चारों तरफ, एक भी आदमी देख रहे बोलते हुए नौजवान साथी, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई नारा लगा रहा है, अपने दर्द को दिल में छुपा कर प्रशासन से मांग करने के लिए बैठे, अब फिर इतना शांति से काम है। चलिए धन्यवाद, ठीक है, बहुत अच्छा।